तो बेटा अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ना प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस जो आपने इंस्टॉल कर लिया ना, ठीक है, इसका जो तीसरा चैप्टर है उसके टॉपिक्स निकालो। दूसरा आसान है, ठीक चलो ठीक फंक्शन स्टार्ट कर रहे। रेस पहले करनी है या फंक्शन करना है? फाइल वगैरह सेव करने को आती है अभी? रेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, जैसे वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन इसमें ये होता है कि आप एक नाम से जो है डेटा स्टोर करते हैं उसकी डिफरेंट पोजिशन पर। मतलब मैं अगर आप यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक अरे मैं बनाता हूँ इंट, जिसकी जिसकी में कौन सा डेटा स्टोर होगा, इंटीजर, उसका नाम रख देता हूँ मार्क्स, उसका नाम क्या रख देता है, मार्क्स रख देता हूँ, हजार होने मैं कभी स्टोर कर दे। इसमें अगर आप चेक करते हैं ना, तो ये मैंने क्या लिखा, इंट, इसका मतलब है अरे के अंदर अब जो स्टोर होगा डेटा उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर, इंटीजर के अलावा इसमें कोई नहीं स्टोर होगा। ये इसकी डेटा टाइप है, ये इसकी क्या है और ये इसका नेम है। अरे का क्या है, नेम है। नेम आप कैसे रख सकते हो, जैसे आप किसी वेरिएबल का नेम रखते हो, इसके ऊपर भी वही रूल्स लागू होते हैं जो तो किसी भी आम वेरिएबल को करते हैं, ये इसकी है। और इसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिए, जिसको बड़ी ब्रैकेट भी हम बोलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपने साइज लिखना है। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, साइज। अब ये करेगा क्या, अब ये इस तरह करेगा कि आपके सामने मेमोरी पे क्या करेगा, मेमोरी के अंदर दस स्पेसेस बना देगा, मेमोरी के अंदर दस, एक दो तीन चार, और ये चलते चलते कहाँ तक चल जाएगा, दस। ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ये वन होगी, ये क्या होगी, टू होगी, ये थ्री होगी, और ये कहाँ तक जाएगा, दस तक, कहाँ तक, नौ तक, सॉरी कहाँ तक, जीरो, जीरो से जब स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, नाइन तक। क्लियर होगी बात? अब इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि इस कॉलम को क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉलम बोलते हैं, इसको वैल्यू कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। जब आप ये वाली लाइन लिखते हैं और इसके आखिर पर टर्मिनेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं, टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो सेमी कॉलम, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एक आपकी इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन खत्म। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, मेमोरी के अंदर ऐसे काम बन जाएगा, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, मार्क्स, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मार्क्स होगा, ठीक है, ये मेमोरी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब इसके अंदर हमने स्टोर करनी चाहिए, इसके अंदर हमने क्या करनी है, अभी मेमोरी के, बस मेमोरी में होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज क्या करते हैं, स्टोर। ये चूंकि 10 है तो मैं इसको ना 3 तक कर लेता हूँ, ठीक है, तीन वैल्यू, तीन बच्चों के मार्क्स हैं,
मतलब एक के 34 मार्क्स आए, एक के 56 आए, ठीक है, एक के 58 आ गए, ये तीन बच्चों के। इस लाइन के अंदर मैंने दो काम किए हैं। पहला काम क्या किया है कि मैंने एक अरे क्रिएट की जिसका नाम क्या है मार्क्स, उसके कितने एलिमेंट्स रखे, तीन, उसके इंडेक्सेस कितने रखे, तीन, और उसके बाद फिर क्या होगा उसमें क्या वैल्यू थी, जीरो पे क्या स्टोर कर दिया, 34, 5, 6, फिर 5, 8, कॉमा सेपरेटर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि आपने एक अरे डिक्लेयर करवा दी है, अरे को क्रिएट कर दिया, उसके कितने ऐसे प्रोटोटाइप है, 0, 1 आ गई, इसमें 0 होगा और इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा, यहाँ तक ये बात समझ आती है। अब ये इक्वल का मतलब क्या होता है, ये असाइनमेंट होती है, ये क्या होती है, तो इसके 0 के ऊपर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इंडेक्स कौन सा है, 0, 0 के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा, 34, ये पोजीशन कौन सी है, 1, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 56, यहाँ पे क्या है, 58, ठीक, ये 58। हमने इस लाइन के अंदर दो काम किए, एक अरे को डिक्लेयर किया, अरे को क्रिएट किया, और दूसरा उसमें ये फिलिंग कर दी, उसमें ये क्या कर दी, ये हो गया। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब है मार्क्स, अब क्या है मार्क्स, मार्क्स के 2 पे क्या पड़ा हुआ है वो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मार्क्स के 2 पे कितनी पोजीशन है, 0, 1 एंड 2, मार्क्स के 2 पर क्या पड़ा हुआ है, इसको मैं जब रन करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, जी, बहुत शुक्रिया, बस इधर तुम लोग इसका करो, मेरे ना उधर जाओ लैब में, मेरा लैपटॉप पड़ा होगा और दूसरा बैग, बैग नहीं है, ये ना वो चले जाओ और बैग मत भूलो, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, देखिए मैं चाहता हूँ मैं सारे डिस्प्ले करूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 34, पे 34 को डिस्प्ले कर देगा, ये क्या है, 56 को डिस्प्ले करेगा, ये किस चीज को डिस्प्ले करेगा, इसको थोड़ा सा मैं लैदा लैदा करने के लिए मैं ऐसा तो एंड एंड लगा दूँ ताकि वो एक नई लाइन पर चला जाए, ठीक है, आपको पता हो कि यार ये एक नई लाइन पर चला जाए, वो कट्ठे मिक्स हो जाएंगे ना तो आपको पता, हाँ बस ये बिल्यू पर आ जाएगा, देखिए अब क्या है, ये डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, 34, 56, 58। तो जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक में आपको अरे को डिक्लेयर करना बताएंगे, अरे का जनरल सिंटेक्स देंगे, ये जनरल सिंटेक्स क्या है इसका, कि ये डेटा टाइप है, ये अरे का नेम है, ये अरे का साइज, और साइज को हमेशा आपने इसमें लिखना, अब आपने नेट से सर्च करना है कि इंटीजर अरे के अंदर आप उसका साइज कितने तक दे सकते हो, ठीक है, फिर मुझे भी बताना है, आपको ग्रुप में शेयर करना है कि यहाँ पे मैं कितने तक दे सकता हूँ इसमें, ठीक है, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा क्या ये एरर देगा, नहीं एरर दे रहा, ठीक है, तीनों एक ही जिस तरह तीनों एक लाइन है तो आप इसके साथ साथ स्पेसेस डाल के एक ही ब्रैकेट में तीनों एक ही ब्रैकेट में तीनों नहीं होते। नहीं होते अब काली इसको लगाने के लिए मैं लूप भी लगा सकता हूँ, ये देखिए मैं लूप लगा देता हूँ डिस्प्ले पर, ये कितने हैं, 3 है ना, तो मैं लिखूंगा फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, 0 से क्यों किया, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, के इज लेस देन 3, फिर
से कम क्या होगा, टू जीरो वन टू, और के प्लस प्लस एक का इजाफा करता जाऊंगा और सी आउट करूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। अब के जब पहली दफा जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, वन थ्री होगा, ठीक है। अब ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर है, समझ आ गई। इसका मतलब है इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर हमने तीन काम किए हैं। पहले अरे को क्रिएट करना, अरे को फिल करना और अरे को डिस्प्ले करवाना। डिस्प्ले आप लूप के बगैर भी कर सकते हैं, अलहदा अलहदा किसी एक 56 को अगर आपने डिस्प्ले करवाना तो आप देखेंगे सी आउट मार्क्स और 56 की पोजीशन देखेंगे जीरो वन वन पर है, तो मार्क्स वन के ऊपर जो चीज बड़ी होगी वो डिस्प्ले होगी। अब ये जो आपने डिस्प्ले करवाया है यहाँ पर मैं इसको फिलिंग जो है ना मैं यूजर से करवा लेता हूँ। फिलिंग में क्या करता हूँ, यूजर से करवा लेता हूँ, मैं यही कॉपी करता हूँ, यही पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सी आउट लिखा है वहां पे मैं क्या लिख देता हूँ, सी इन, और इसके साइन को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि सी एन करेक्टर क्या करता है वो एंटर को ले लेगा। अब ये तीन में क्या कर देगा, तो कर देगा। अब ये पहली लूप जो चलेगी वो किस मकसद के लिए, एंट्री के लिए। बस मैंने यहाँ पे 456 एंटर किया, यहाँ पे मैंने 678 एंटर किया, यहाँ पे मैंने 90 एंटर किया। ये तो जो एंटर किया वो डिस्प्ले हो रहा है, जब एंटर करूंगा उसके बाद नीचे वाली लूप में उसको डिस्प्ले करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि ये उल्टा डिस्प्ले हो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टू से और इसको जीरो तक लेके आऊंगा, ठीक है। और के को क्या करूंगा, माइनस माइनस करके डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो लिया उसे कैसे, इस तरह से, और उसको रिवर्स मैंने कर दिया। मतलब पहला नंबर मैंने 34 एंटर किया, फिर 56 एंटर किया, फिर 78 एंटर किया। जब ये डिस्प्ले करेगा तो 78 पहले 56 बाद में, और ये क्लियर हो गया कि हम अभी आपको मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ वो ये है कि आपने यूजर से क्या करना है, इनपुट लेनी है और उस अरे के अंदर उसको स्टोर करवाना है, ये फिलिंग हो रही है और ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस अरे के अंदर से तीन कैसे, तीन बार बार सीन के लिए गए, तीन दफा सीन लेंगे, लेकिन अगर 1 लाख होगी तो फिर क्या करोगे, लूट लगा दोगे, वो आपकी मर्जी है, सारे तरीकों से हो सकती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पर है। तरीके मैंने आपको तीनों सिखा दिए कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो पहले मैंने बताया कि इज इक्वल टू लगा के इस तरह भी फिलिंग कर सकते हैं, आप एक और तरीके से भी फिलिंग कर सकते हैं। अब ये फिलिंग में फॉर लूप से भी की है, एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, मार्क्स के जीरो पर, मार्क्स के जीरो पर क्या स्टोर करते हैं 89, तो ये मैंने मैनुअल स्कोर दी। मार्क्स के वन पर क्या स्टोर करते हैं 99, और मार्क्स के टू पे क्या स्टोर करते हैं 199। जब इसको डिस्प्ले करवाना है, अब ये उसमें फिलिंग हो गई, अब ये डिस्प्ले हो रहा है, तो यूजर से भी फिलिंग करवा सकते हैं, खुद भी फिलिंग। अब खुद फिलिंग करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के एक ही दफा सारे फिल कर दें, या फिर इस तरह अलग अलग कर दें, या लूप लेके ऑटो नंबर जनरेट करके करवा दें। तो फिलिंग का तरीका ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज हो, ठीक है। तो आप तीनों तरीकों से फिल भी कर सकते हैं, तीनों तरीकों से आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लेटर लेटर भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लगी। अगर मैं कहूँ कि इसी को आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो आप कैसे नंबर ढूंढोगे, एक्सेप्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पहला नंबर उठाता हूँ यहाँ से, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर के नाम से,
ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू मार्क्स के जो जीरो पे पड़ा वो सबसे बड़ा नंबर है, मार्क्स के जीरो पे जो सर आप जी को जीरो भी लिख सकते हैं। पड़ा है। पहला नंबर लेना ना, पहले नंबर को उठाना और दूसरे नंबर को उठाना, दोनों की कंपेयर करना। अगर बड़ा ढूंढना है तो क्या करना है, शफलिंग करनी है, करें छोटा ढूंढना तो कैसे, अब आपको बता दूं। अब ये के जीरो के ऊपर आ गया ना, के जीरो से स्टार्ट करेंगे, नहीं के जीरो, जीरो तो हमने इसमें रख दिया ना जी में, यहाँ वन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, वन से स्टार्ट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ जी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जीरो वाला नहीं, 89 89। अगर जी बड़ा है, अगर जी बड़ा है जैसे मार्क्स, देखिए के कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वन वन पे क्या पड़ा हुआ है, 89 बड़ा है, मतलब बड़ा है छोटा छोटा है, तो पास हो जाएगा तो नहीं चलेगा। अगर 89 छोटा है फिर अब मैं क्या करूँगा, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है तो फिर इसको मैं ऐसे जाकर, 89 छोटा है किससे, 99 से, तो फिर जी के अंदर 99 रख दे, जी के अंदर क्या रख दे, 99 रख, तीन का तीन का क्यों कंपैरिजन कर रहे, तो कंपैरिजन पहले एक का करते हैं ना, पहले 89 को मैंने कंपेयर किया किसके साथ, कौन सा बड़ा है, तो 99 को मैंने जी में रख दिया, फिर 99 को मैंने किससे के साथ कंपेयर किया, 199 को, 199 बड़ा है तो फिर क्या कर दे, 199 को किस में रख दे, जी जब ये लूप खत्म होगी तो उसके पास सबसे बड़ा कौन सा होगा, बोलिए। तो वो चेंज करके देखते तो सी हो, ये लूप जब खत्म होगी, ठीक है, जी को आपने लिख देना कि जी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, वो कैसे ही देखे 199। अब मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, इसको 389 बना देता हूँ, इसको 389, तो कौन सा बड़ा आ रहा है, अगर मैंने स्मॉलेस्ट मालूम करना, अगर मैंने स्मॉलेस्ट यहाँ पे सिर्फ मैंने ये चेंज करना है बस, तो आपने स्टेटमेंट चेंज कर दी, स्मॉलेस्ट नंबर इज बिग, इसको वेरिएबल को एस कर लें स्मॉलेस्ट के हिसाब से, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो फिर स्मॉलेस्ट के लिए सिर्फ ये एक चेंज होगी, तो सर स्मॉलेस्ट कौन सा है, उसमें से देखते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल रे में आपने चेक कर लिया कि रे कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, रे में फिलिंग कैसे करनी है और रे को डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है, अगर मैं इन सब का सम करना चाहूँ तो सम कैसे करूँगा, इन तीनों का सम करना चाहूँ तो सम कैसे करूँगा, मैं एक इंटीजर बनाऊंगा सम का, उसमें कितने पड़े हुए, जीरो, उसमें कितना पड़ा हुआ, जीरो पड़ा हुआ, मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस, और ये ठीक है सर। और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा तीनों का सम कितना है, वो इसको 10 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ताकि सम करने में हमें भी आसानी हो ना, इसको 30 को कितना आना चाहिए था, इसको करेंगे तो जवाब कितना आएगा, इसके आखिर पर डिटरमिनेटर साइन लगा रहे हैं तो कितना आएगा, अगर इसकी एवरेज मालूम करनी है, इसकी एवरेज मालूम करनी हो तो आप एक वेरिएबल बना लें एवरेज का, ठीक है, उसमें भी जीरो अभी रख दो, ठीक है, तो एवरेज जो होता है ना वो आपका फ्लोट में भी तो हो सकता है ना, ठीक है, तो फ्लोट क्या करते हैं एवरेज में,
नोट आ गया, ठीक है। तो ये जो जवाब आएगा सम के बाद, ये सी आउट सम आ गया। एंड और सी आउट एवरेज, सी आउट एस को किस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एवी जी क्या आएगा, एस डिवाइडेड है 3। और अगर हम फ्लोर में लेना चाहते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे कास्टिंग टाइप कास्टिंग पड़ी है ना, एवरेज यहाँ पे आपने एवरेज को सम भी ले लिया, लेकिन लूप से बाहर कर लेंगे तो एकदम लूप सारा क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 23 देखते हैं जो देखने को मिले 21, तो वो उसको उसमें कन्वर्ट नहीं जा रहा है, ठीक सर वो है। ठीक है, 3 पे डिवाइड करेंगे, सर तो क्या करोगे यार, पॉइंट नहीं इस सारे बने आएगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे या इसको 3.0 कर देंगे, कोई मसला नहीं। टाइप कास्टिंग में किसी एक को आपने फ्लोट कर दे तो जॉब फ्लोट में आ जाएगा ना, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट, आप एक फोर्स करके करेंगे तो वो इम्प्लीसिट है वाले, और जो ऑटोमेटिकली तो वो एक्सप्लीसिट है, वो आपने चेक कर लेना, मैं खुद भूल जाता हूँ उसमें के एक्सप्लिसिट कौन सी थी और इम्प्लिसिट कौन सी, ठीक है। हाँ तो ये आज का जो है ना सबक बेटा आपने याद रखना अच्छे तरीके से, और कल इससे आगे तो बेटा पढ़ेंगे, आपने रे पढ़नी है, ठीक है, आज अच्छे तरीके से।